आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस नाश्ता की रेसिपी, बहुत ही गजब का लाजवाब टेस्ट मिलने वाला आपको। बनाना भी एकदम सिंपल है, कोई भी झंझट नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आपका सुस्मिता चैनल में। कहो कैसे हो आप। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है सूजी यानी रवा। बड़े कप से हमने सूजी लिया है, लेकिन सूजी हमने भर कप नहीं लिया है। फिर आपको यहाँ पर लेना है बेसन। जितना आप सूजी ले रहे हैं ना, उसकी अपेक्षा आपको बेसन की मात्रा कम रखनी है, यानी आधा कप से भी कम आपको बेसन लेना है। बेसन जब भी ले छान के लिए। फिर मीडियम कप से आपको यहाँ पे लेना है, यानी चाय वाले कप से एक कप भर के दही। और दही वाले कप से यहाँ पे हम एक कप लगभग पानी डाल देंगे। अगर आपकी दही पतली है तो पानी आप कम डालें, मिला लीजिए। अगर पानी ज़रूरत लगेगी तो बाद में डाल देंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तब क्या करेंगे, दही की जगह छाछ डाल दीजिए, यानी बटर मिल्क डाल दीजिए। लेकिन अगर आप दही या छाछ खट्टा लेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा नाश्ते का। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसन में गांठें बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहाँ पे लेना है 2 से 3 ब्रेड। हमने 2 ब्रेड लिया है। ब्रेड के किनारों को हम अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको मिक्सर जार लेना है, ब्रेड को तोड़ कर डाल दीजिए और ब्रेड क्रम्स बनाकर यहाँ पर आपको रेडी करना है। 2 ब्रेड का हमने ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लिया। उसे हम सूजी बेसन के घोल में डाल देंगे, अच्छे से मिला देना आपको। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद अगर आपको घोल ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। गाढ़ी लग रही थी तो हमने 2 चम्मच लगभग पानी डाल दिया। एक बार मिला देंगे। घोल आपको गाढ़ी रखनी है, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं घोल पतला हो जाएगा। अब इसे प्लेट से ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। जब तक सूजी फूल है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। 1 कप हमने धनिया पत्ती लिया, जिसे धोकर कट करके हमने जार में डाल दिया। तीखापन देने के लिए हमने हरी मिर्च डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे डाल देना है 1/2 से 1 नींबू का रस। हम आधा नींबू डाल लें निचोड़ कर। ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 नींबू का रस डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हमने अदरक डाल दिया। स्वाद के हिसाब से हमने नमक ऐड किया। अब सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे डाल देना बेसन वाली नमकीन 1.5 से 2 चम्मच। फिर आपको 2 से 3 लहसुन डाल देना है। छोटे चम्मच से आधा चम्मच आपको चीनी डाल देना है और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर आप टेस्टी चटपटी स्पाइसी वाला चटनी बनाकर रेडी कर लिए। चटनी बन गई है, इसे हमने बाउल में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। यहाँ पे पूरे 20 मिनट हो गए हैं। प्लेट को हटा देते हैं, चला कर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है और गाढ़ी भी हो गई है। अब आपको यहाँ पे डाल देना हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको एकदम थोड़ा सा लेना है, अच्छा सा कलर आ जाए नाश्ते का। ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं कड़वापन आएगा। घोल गाढ़ी थी तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच पानी ऐड किया। फिर आपको यहाँ पे डाल देना है स्वाद के हिसाब से नमक, यानी जितना सूजी है उस हिसाब से आप नमक डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। तो घोल रेडी है, आप देख रहे हैं ना। घोल को हमने गाढ़ा ही रखा है, पतला घोल आपको नहीं बनाना है। अब आपको यहाँ पे लेना है छोटे चम्मच 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल आपको नहीं लेना है और तेल डालकर अच्छे से मिला दीजिए। फिर आपको यहाँ पे छोटे साइज़ की कटोरी या फिर प्लेट लेना है। तो हमने यहाँ पे कटोरी लिया, जिसे हमने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया। और सबसे लास्ट में छोटे चम्मच आधा चम्मच आपको डाल देना इनो, या फिर इनो की जगह आप खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो हम इनो डाल रहे हैं। इनो के ऊपर हमने आधा चम्मच पानी डाल दिया। इसे एक ही तरफ चम्मच घुमाते हुए अच्छे से मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं फेंटिएगा। इनो सबसे लास्ट में डालना है। सारी चीज़ को रेडी कर लें तब आप इनो डालें। अब आपको लेना है कलछी। इस तरीके से नाप नाप के हम यहाँ पे एक एक कलछी घोल तीनों कटोरी में डाल देंगे। अगर इस तरीके से नाप के आप घोल डालेंगे तो नाश्ता आपके सेम साइज़ के बनेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो हमने तीनों कटोरी में इस तरीके से एक एक कलछी घोल डाल दिया। हल्का सा टैप कर देंगे, चिकना कर देंगे। ऊपर से हमने डाल दिया एकदम थोड़ा सा कलौजी, हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, फिर सफ़ेद तेल भी डाल सकते हैं। जो आपको ऊपर से सही लगे आप डाल दीजिएगा, जो आपके पास हो डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमने तीनों कटोरी को रेडी कर लिया। इधर हमने गैस चलाकर धीमी आंच पे पानी को पाले से रख दिया था। पानी देख रहे हैं आप, यहाँ पे उबलने लगी है। अब आपको इस तरीके से कोई थाली लेनी है, प्लेन थाली ले सकते हैं या फिर इस तरीके से जाली वाली भी थाली ले सकते हैं। थाली के ऊपर आपको कटोरी को सेट करना है और दूसरे थाली से अच्छे से कवर कर देना है। गैस को स्लो कर दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे। इस नाश्ते को बना के आपको रेडी करना है। जब तक कटोरी वाला नाश्ता धीमी आंच पे पक रही है तो बचे हुए घोल को हम दूसरे बर्तन में डालकर एक ही साथ अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने केक वाला टिन ले लिया है। केक टिन को हमने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया। फिर घोल को डालकर हल्का सा टैप करेंगे, ऊपर से भी चिकना हो जाए। फिर आपको यहाँ पर डाल देना है मंगरेल, चिली फ्लेक्स और फिर यहाँ पर सफ़ेद तेल। जो आपको सही लगे आप डाल दीजिएगा। अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो सफ़ेद तिल को आप स्किप कर सकते हैं।
फिर सेम उसी प्रोसेस से धीमे आंच पे 20 मिनट के लिए इस नाश्ते को भी हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो पूरे 20 मिनट हो गए हैं, हमने गैस को बंद कर दिया, थाली हटाकर देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, नाश्ता अच्छे से फूल गई है और कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया। अब इस कटोरी को हम कर लेंगे ठंडा। जब तक ठंडा नहीं होती तब तक आप इस नाश्ते को कटोरी से नहीं निकालिएगा। नाश्ता को ठंडा करके हम इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आपको चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से हल्का सा टैप करेंगे तो आसानी से नाश्ता आपका निकल कर बाहर आ जाएगी। और जो हमने बाद में बनाया था वो गर्म है, इसलिए उसे अभी नहीं निकालेंगे। गर्म गर्म निकालेंगे तो नाश्ता जो है टूट सकती है, जिसे हम ठंडा कर लेंगे। इधर हमने गैस चलाकर पैन रख दिया। पैन तब आप कुछ भी रख दीजिए। और पैन जब गर्म हो गया, पैन में डाल दिया 1.5 चम्मच लगभग कुकिंग ऑयल। तेल को आपको अच्छे से गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तब आप 1/2 चम्मच लगभग डाल दीजिए जीरा। जीरा आपको फैला के डालना है। 1/2 चम्मच लगभग आपको डाल देना है राई। राई भी आपको पूरे तवे पे फैला के डालना है। एकदम थोड़ा सा आपको डाल देना है, यानी 1/2 चम्मच भी कम, कलौजी यानी मंगरेल। और थोड़ा सा डाल दीजिए चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च पाउडर यानी रेड चिली पाउडर, जो भी आपको सही लगे डाल दीजिएगा। जैसे तड़का हल्का सा लाल हो तो आप नाश्ते को डाल दीजिए। और 30 सेकंड के लिए उलट पलट कर आपको दोनों तरफ से सेक लेना है। तो करी पत्ता हमने डाल दिया। करी पत्ता हम पहले डालना भूल गए, इसलिए हम बाद में हमने करी पत्ता भी डाल दिया। आपको तड़के में डालना है करी पत्ता। इस तरीके से 30 सेकंड के लिए हमने उलट पलट कर नाश्ते को सेक लिया है। तवे पे आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे सूजी से बनाया, बेसन से बनाया है या फिर इसमें आपने ब्रेड का भी यूज किया है। साथ में चटपटे वाले चटनी भी रख लिया है। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही सिंपल टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुबह शाम के नाश्ते के लिए या फिर टिफिन के लिए भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।